अगली खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां पुलिस ने युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि लूट के मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। पुलिस के थर्ड डिग्री टॉर्चर से युवक की मौत हुई है। एसपी ने सिबली कोतवाल व एसओजी प्रभारी समेत 9 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। घटना के बाद परिजनों ने भारी आक्रोश देखा गया है। कानपुर देहात में युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। रनिया कोतवाली में मृतक के चाचा ने हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने सिवली थाना प्रभारी राजेश सिंह समेत रनिया के थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे, एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम, स्कॉट टीम के महेश गुप्ता, हमराही सिपाही एवं एसओजी टीम के विरुद्ध दर्ज हत्या का मुकदमा किया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर को भी घटना के तथ्य छुपाने का भी आरोप बनाया गया है। पुलिस द्वारा लाया गया मरीज, इसको छाती में दर्द था और ये ऑल्टर सेंसोरियम था पेशेंट को। जब हमारे पास लाया गया तो ये इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसका उपचार करके इसको हेलेट के लिए रिफ़र किया गया, लेकिन हेलेट रिफ़र करने के दौरान ही इसकी स्थिति बिगड़ी तो और इसका बाकी सीपीआर के उसी उपचार के दौरान ही ख़त्म हो गया। ये पुलिसकर्मी बॉडी छोड़कर बाहर भाग गए गाड़ी में, उसकी जानकारी मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो अंदर अपने ये हमारे पास में आया था 11:15 बजे हमारे पास। इसका नाम बलवंत सिंह है, सन ऑफ मुन्ना, और ये लालपुर सरैया का रहने वाला था, थाना सिवली की चौकी मैथा के क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित हुई थी। विवेचना के क्रम में कुछ अभियुक्तों का नाम इसमें प्रकाश में आया। उसी क्रम में कल थाना सिवली और एसओजी की ज्वाइंट टीम ने 3 लड़कों की अरेस्टिंग करी, जिनका नाम है अविनाश कुशवाहा, सूरज और कल्लू उर्फ शिवा। उन्हीं के बयानों में व अन्य तथ्यों में कुछ और नाम प्रकाश में आए, जिस क्रम में एक व्यक्ति बलवंत सिंह, जो कि सरैया लालपुर का ही रहने वाला है, उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया गया। वह स्वयं आया, परंतु कुछ समय में सीने में दर्द की शिकायत करने लगा। तत्काल फर्स्ट एड के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, जहां उनका उपचार किया गया, परंतु उपचार के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई।